सुल्तान। अब तक आपने देखा कि कैसे चांद रात की खुशियों में शाह तुर्कन के कदम पड़ते ही सब बदल जाता है। शमशाद कुतुब को आगाह करती है, वो जरूर किसी खास मकसद से आई है। अब देखना ये कि वो अपना रंग कब दिखाती है। वहीं रजिया और चंदा फातिमा की रिहाई के लिए रहमत से मिलने निकल पड़ते हैं। अब आगे सलाम वालेकुम शहजादी। चौंकिए मत शहजादी, हमें अब्बू ने सब बता दिया था। हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है शहजादी, हमें माफ कर दीजिएगा। ठीक है, अगर तुम जान ही गए हो कि हम कौन हैं, तो फिर सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप कल फातिमा को रिहा करेंगे और अपने अब्बू के साथ दफन होने से भी बचाएंगे। गुस्ताखी माफ हो शहजादी, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इसके बदले में हम तुम्हें सुल्तान का चांदी का सिक्का देंगे और उस सिक्के की बदौलत तुम सुल्तान से जो चाहे मुराद मांग सकते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे लिए वो चांदी का सिक्का ज्यादा कीमती है या फिर फातिमा की जिंदगी। यकीनन सिक्का शहजादी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई शहजादी। एक अदनी सी गुलाम जिसकी जान की कीमत दो कौड़ी भी नहीं, आप उसका सौदा सुल्तान के चांदी के अनमोल सिक्के से कर रही हैं? और ये बात तुम्हारी समझ में कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि हमारी नजरों में इंसानी जिंदगी की कीमत एक बेजान चांदी के सिक्के से कई गुना ज्यादा है। जैसी आपकी मर्जी, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो फिर कल आप फातिमा की खते आजादी पे दस्तखत करेंगे और उसके बाद हमसे वो चांदी का सिक्का ले जाएंगे। चलो चंदा। अंगूर खट्टे हैं सुल्तान। लोमड़ी अंगूर खाए तो बदहजमी तो होनी है। ये क्यों नहीं कहती शाह तुर्कन कि तुम्हारी सीरत ही खट्टी है? माफ कीजिएगा जहांपनाह, खट्टी मीठी का तो पता नहीं, लेकिन सीरत जो शाही होती हमारी तो इस दिल्ली सल्तनत की मलिकाना होती हम। खैर कोई बात नहीं, इस सूरत पे ये रक्कासा सुल्तान के दिल की मलिका जरूर है। यकीनन यकीनन, ये शोखियां ये मस्तानापन किसी के भी होश उड़ा दे। क्या करें सुल्तान, ये कोठों की बेबाक मस्तियां हमें शाही तौर तरीके ना सिखा पाए, लेकिन आपके बेटे में आपका बादशाही रुतबा भरपूर है। जरा अदब से नाम लीजिए, शहजादा रुकनुद्दीन नाम है उनका, बेटे हैं हम, और बादशाहत खून में नहीं अंदाज में होती है। तो फिर ईमान से कहते हैं शहंशाह, आप शहजादा रुकनुद्दीन की शाही अदाओं के कायल हो जाएंगे। वही कदकाठी, वही रुतबा, वही शान। वही चेहरा। कसम घुंघरुओं की साहिबान, जहां पड़ा है थूक मेरा,
वहीं झुकेगा सर तेरा। तेरे खून से भी ज्यादा कीमती है खाक में थूक मेरा। शहजादे, इन छोटे लोगों पे अपना वक्त जाया मत कीजिए। आपकी माँ फिरोजी महल में आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। साहिबान, ये दिल्ली दिल फरेब है समर सिंह, सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। देखे तो सही, हमारे कदमों तले रोंदने पर ये दिल्ली की जमीन कितना मातम मनाती है। ये अल्लाह की रहमत है शाहतुर्कन कि उसने हमें इतने काबिल बच्चों से नवाजा है। मोइजुद्दीन, नासिर, रजिया, शाजिया, यासिर और रुकनुद्दीन। अगर काबिलियत ही सुल्तान के प्यार का पैमाना है तो हम अल्लाह से जरूर मांगेंगे कि हमारे बेटे रुकनुद्दीन का नाम सुल्तान की जबान पर सबसे आखिरी नहीं सबसे पहले आए। काबिलियत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती शाहतुर्कन, वो तो अपना मुकाम खुद ढूंढती है। और याद रहे, हीरे की तरह है तो अंधेरे में भी चमक, धूप में आके तो शीशे भी चमक जाते। सही फरमाया आपने। मगर आप एक बाप हैं, माँ के दिल का दर्द आप नहीं समझ सकते। खैर, अगर आपको हमारी बात बुरी लगी हो तो हम खामोश हो जाते हैं। और हम आपकी खामोशी में भी आपकी बातें सुन लेते हैं। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर रुकनुद्दीन में वो बात है तो उसे ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बेटे का नाम भले ही हमारी जुबान पे आखिर में आया हो लेकिन उसकी मां का नाम हमारी जुबान पे सबसे पहले आता है। कसम घुंघरुओं की, चिलगोंज है, पिंपी सा है और जुबान गज भर की। जुबान हलक से बाहर निकाल लूंगा तेरी। छोड़ दो मुझे, मेरे पैसे दे दो वरना। वरना क्या करेगा, मुझे कैद में डलवाएगा।
मेरे मेरे हाथ पर कटवा देगा या मेरा सर कलम करवा देगा? बचाओ मुझे, बचाओ। चिल्ला जोर जोर से चिल्ला साहिबान। मैं भी तो देखूं कौन बचाता है आज तुझे मुझसे। लड़की को छोड़ दो। निहायत ही बेवकूफ है बच्चा, नालायक। तुझे इतनी भी अकल नहीं कि खानदानी लोगों से बड़े ही अदब से पेश आते, पांव में गिर के मुआफी मांगने के बजाय तू गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है। तू कौन है लड़के? बंदी आपकी गुलाम है। ए लड़के, चल मुआफी मांग इनसे। तुम ठीक तो? हम जानते हैं हमारे अटके तोड़े, हम जो पैसे देने के बजाय मार भी रहे थे। तुम एक काम करो, हम जैसा कहते हैं तुम वैसा करो। ए लड़के, क्या हो रहा है यार? कुछ नहीं, हम तो बस इसे आपसे मुआफी मांगने के लिए रहे थे। तुमने एक खानदानी आदमी की इज्जत को भरे बाजार में नीलाम किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। तुम एक काम करो, तुम इनके कदमों में अपना सर रख के मुआफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए माए बाप, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए। आप तो खानदानी है, इज्जतदार है, नेक दिल बंदे है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमको माफ कर दीजिए माया बाप। अरे हाँ भाई हाँ, माफ कर दिया इन्होंने तुम्हें, इनका दिल बहुत बड़ा है। अब उठ भी जाओ कि जमीन सूंघते रहोगे। ए लड़की, ज्यादा होशियार मत बन, औकात क्या है तेरी? जानते हम कौन है? या फिर बताऊं हैं? जानते कि तुम कौन, पर क्या तुम ये जानना चाहते हो कि हम कौन हैं? हम हैं इस वतन, इस सरजमीन हिंदुस्तान की बेटी, और जिन्हें तुम तंग कर रहे थे, जानते हो वो हमारे क्या लगते हैं? ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, हमारे घर वाले। और एक बात कान खोल कर सुन, अगर हमारे घर वालों को कोई भी बाहरी आकर बेइज्जत करेगा तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम एक पे नजर डालोगे तो इस वतन के सभी नजरें तुम्हें जला के राख कर देंगी। तुम एक का भी सर झुकाओगे तो यूं ही जमीन चाटते रह जाओ। ये दिल्ली की मिट्टी है, इसे जोर जबरदस्ती कता ही पसंद है, माथे पे लगा लो, शायद तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। और रही बात हमारी औकात की, तो हमारी औकात हम तुम्हें दिखाते हैं। हम है सुल्ताने आजम, सुल्ताने हिंद, अल्तमश की बेटी शहजादी रज़ी।
अपनी पहचान तो तुमने बता दी, अब हमारी औकात भी नापती जाओ। कसम घुंघरुओं की, तुम्हारे पांव तले जमीन ना खिसक जाए तो हमारे नाम का कुत्ता पाल लेना। क्यों नहीं, भौंको जरा, हम भी तो देखें किस नस्ल के हो। अब अगर एक और कदम आगे बढ़ाया तो खुदा कसम छठी का दूध याद दिला देंगे। ये बेइज्जती हम पर उधार रही। पहले औरों का उधार तो चुका लीजिए। आप लोगों का जो नुकसान हुआ है हम वो सब भर देंगे। शुक्रिया शराधी। हमारे हाथों कत्ल होने का इरादा है क्या? जरा सलीके से, सोने की जरी का काम है दुपट्टे पे, एक धागे में तुम्हारी सात पुश्तें नीलाम हो जाएंगी। अरे अरे तौबा तौबा, क्या हाल बना दिए मेरे बेटे, कैसी हुआ सब? बोल, खून सवार है हमारे सर पे, खून सवार। आज तक हमारी इतनी बेइज्जती नहीं हुई, वो भी 20,000 सर है आप। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से और जाके शहजादे के लिए नए कपड़ों का इंतजाम करो। क्या हाल कर दिया है मेरे बेटे का, लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं। वो जो कोई भी है आज ईद नहीं मना पाएगा। ये तुम्हारे अब्बू की सल्तनत है, काट के फेंकवा देंगे। नाम बताओ उसका। उसी अब्बू की बेटी ने इस सल्तनत की शहजादी रजिया। कसम खुदा की अम्मी, अगर वो आपके महबूब अल्तमश की बेटी ना होती तो सर कलम कर देते उसी वक्त उसका हम। शहजादी रजिया, क्या हुआ? रजिया का नाम सुनते ही आपके चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? अभी तो बड़ी बड़ी डींगे मार रही थी, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, अब क्या हुआ? अरे नहीं रे पगले, रजिया कौन से खेत की मूली है, वो तो हमें ताज्जुब इसलिए हुआ क्योंकि शाही हरम की औरतें तो महल के बाहर कदम भी नहीं रखती। तो फिर की लहरी कौन से बादाम लेने गई थी? कसम घुंघरुओं की अम्मी, अगर आपने उस रजिया का कुछ नहीं किया ना तो हमें उसको अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। नाराजगी में कोई गलत कदम नहीं उठाया जाता, मौके का इंतजार करो। ईद के जश्न के बाद दार है, रजिया को नाच नचा देंगे। और रजिया क्या, पूरी दिल्ली सल्तनत हमारी उंगलियों पे नाचेगी। फिर कितना अम्मी, हमारी प्यारी अम्मी, पता है आज हम फातिमा के आका के घर गए थे, उनसे खते आजादी की बात कर।
हम जानते हैं अम्मी, हमें आपको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, पर हम क्या करें, हमारा जाना बहुत जरूरी था, फातिमा की जिंदगी का सवाल था। आपका दिल आज बहुत दुखा होगा ना, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको अच्छे से जानते हैं। आपने अपने दिल की बात किसी से ना कही होगी, बस अकेले अकेले बैठ के रोती रही होंगी, है ना? अम्मी, आपको अकेला कभी मत समझिए। हम आपसे वादा करते हैं, अब आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहेंगे। रज़िया, तुम यहां अकेले किसे बात कर रही हो? अम्मी, वो हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम यहाँ चले आए। तुम आपके पास सो जाए अम्मी। झूठ नहीं बोलना आता ना मेरी बच्ची को? हम सच कह रहे हैं ना, हमें डर लग रहा था। हम जानते हैं तुम यहाँ क्यों आई, ये देख लेना कि हम ठीक है कि नहीं। ईद मुबारक अम्मी, ईद मुबारक। वैसे अम्मी, एक बात हमें समझ में नहीं आई, इस ईद में ऐसा क्या खास है जो आप लाहौर से नंगे पैर दिल्ली तक चल के आ गई? अरे देखिए अपने पैर, छाले उभर रहे हैं। हमारे पैर का हर एक छाला मोहर है हमारी बेटी की तरक्की का। हमारी तरक्की अम्मी? अब हमारी तरक्की के लिए यहां पर खामोश। शाही महलों की दीवारों के भी कान होते हैं, अगर हमारे इरादों के बारे में किसी को पता चला तो ये छाले पैरों से नहीं दिल से उभरेंगे। रुकनुद्दीन, वो बाजारू औरत बरसों बाद ईद मनाने दिल्ली आई है और साथ में अपने बेटे को भी लेकर आई है। बिना किसी मकसद के तो तुर्कन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। आदिला, महल में जितने खास खबरी हैं उन्हें शाह तुर्कन पर नजर रखने को तैनात कर दो। सोते जागते उठते बैठते हमें उसकी पल पल की खबर चाहिए। और कुतुब को भी आगाह कर दो, सौतन के कदम जब दहलीज पे पड़ते हैं तो आराम आराम हो जाता है। हम जानते हैं कलीद के दिन वो शाह तुर्कन कोई ना कोई कुल जरूर खेलाएगी।